तो भगवान सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान करते हैं स्नान के बाद, उसके बाद विद्वान ब्राह्मणों को बुलाते हैं। विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर अपने बच्चों के साथ, ध्यान से सुनिएगा, अपने बच्चों के साथ वेद और पुराणों की कथा सुनते हैं। क्या करते हैं? वेद और पुराणों की कथा सुनते हैं। अब वेद पुराण कथा सुनने से मिलता क्या, भगवान की तो कथा है इसमें, तो भगवान क्यों सुनते हैं? बोले मैं भी सुनता हूं तो तुम भी सुनो, क्या मिलेगा इसमें? बोले वेद और पुराणों की कथा जब तुम सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। Nowadays, modern education gives you how to earn money only, nothing else. But just only how to earn money. But religious education gives you how to live life. What's question most important in your life? Tell me. How to earn money and how to live life. Modern education does teaches you. दो का चार कैसे करना, चार का सौ कैसे करना, ये तो सिखाती है हमारी एजुकेशन। वो जो बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने जाते हैं सिखाते क्या, झूठ बोलना ही तो सिखाते हैं। जो टीवी चैनलों पे हम रोज देखते हैं, रोज वही झूठ ही तो देख रहे हैं। दो का चार, चार का छह, छिपाने वाली बात कौन सी छिपाएं, बताने वाली कौन सी बताएं, यही तो बिजनेस है। लेकिन कहीं नहीं सिखाया जाता जीवन कैसे जीना चाहिए, और वही जीवन कैसे जीना चाहिए ये तुम्हारे वेद सिखाते हैं, पुराण सिखाते हैं, कौन सा कदम गलत है, कौन सा कदम अच्छा है, क्या न करें क्या करें, और की तो बात छोड़ो, ईश्वर से कैसे मिलना चाहिए ये भी मार्ग भागवत में प्राप्त होता है मेरे प्यारे। ये भी मार्ग सिर्फ जीवन जीने की नहीं, बार बार जन्म न लेना पड़े, बार बार मरना न पड़े, यह भी ज्ञान हमारे पुराणों में मिलता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म से मुक्ति पाना चाहते हो तो ग्रंथों को पुराणों को अपने जीवन में समय दो, श्रवण करो, और जब श्रवण करोगे तो तुम्हारे जीवन में वो ज्ञान की उत्पत्ति होगी जिसके बाद संसार में कोई तुम्हें दुख नहीं पहुंचा पाएगा, कोई भी तुम्हें दुख नहीं पहुंचा सकता। ये सारा वो ज्ञान तुम्हें हमारे ग्रंथों और भगवान स्वयं सुनते हैं, इसलिए दुख उन्हीं के जीवन में है जो भगवान की कथाओं को अपने जीवन में उतारते नहीं। आज यहां कथा पूरी हो रही है तो कल से आप क्या सुनोगे? आप कहोगे हमारे पास तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। पहले कथाएं आपके शहर में होती थी तब सुनने को मिलती थी, फिर कभी कभार टीवी चैनलों पर आती थी तब सुनने को मिलती थी। आजकल तो हर दिन कथा आपके यूट्यूब चैनल पर है। जिस समय फ्री हो, जिस समय मन अशांत हो, बुद्धि विचलित हो, उसी समय मोबाइल निकालो और हमारे चैनल को ओपन करके बैठो और कुछ प्रसंगों को सुनो, कुछ चीज़ों को सुनो, भगवान की कथा को सुनो, आपका मन ठाकुर में लग जाएगा और फिर से वो अशांति समाप्त हो जाएगी, फिर से आपके मन को शांति मिलेगी। किस किसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है? ओए ओए, हैं? बहुत लोग, अच्छा कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी देखेंगे, अच्छा लगेगा तो देखेंगे, लेकिन मेरा निवेदन है जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, और नित्य आधा घंटा एक घंटा जब समय मिले कथा सुनने ऐसा मन में विचार रखें। आधा घंटा की कथा तुम्हें जीवन में कभी भटकने नहीं देगी, ये मैं लिख के दे सकता हूं, तुम्हें गलत रास्ते पे नहीं जाने देगी ये कथा। हमें तो एक और बात बताई किसी ने कि जब आप लोग कथा YouTube पे ज्यादा ज्यादा देखते हो तो आपके धर्माचार्यों को संबल मिलता है, उनकी रेपुटेशन बढ़ती है। आप जितना YouTube पे कथा सुनोगे उतना ही रेपुटेशन बढ़ेगी उनकी, उतना ही धर्म का प्रचार होगा, लोग कहेंगे इतना लोग देखते हैं इनको, जितना तुम हीरो हीरोइन को देखोगे उनकी रेपुटेशन बढ़ेगी तो सब वही बनना चाहेंगे। और जब आप धर्माचार्यों को सुनना पसंद करोगे तो आने वाला समाज धर्माचार्य बनना चाहेगा, धर्म के पथ पे चलना चाहेगा, इसलिए अपने समाज को सही दिशा दिखाओ, गलत चीजों को इग्नोर करो भाई, हर जगह से इग्नोर करो। आपको समाज कैसा चाहिए वैसा बिहेवियर आप करो अपने जीवन में।
अगर समाज को अच्छा देखना तो अच्छा ही देनी पड़ेगी तुम्हें, बुरा देना तो बुरा बन बुरा जो करना करो। तो आप सबसे निवेदन है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को करें, और जब समय मिला करे दिन में हर दिन आधा घंटा हमको दे दो। तुम्हारी जेब में बैठे हुए हम मोबाइल में, जब लगे कि अब मैं फ्री हूं, अरे आते जाते कान में लगा लो ना, सुनते जाओ। सुबह भी भजन चलते हैं, उन भजनों को सुनो, शाम को कथा आती है रात्रि में 10 बजे, उसको सुन के सो जाओ, फिर देखो तुम्हारे सपने भी गलत नहीं आएंगे। तुम्हें सपने में भी जगन्नाथ आ रहे होंगे खिचड़ी खिलाने के लिए तुम्हें। अच्छा रात्रि में फिल्म देख के सोओगे तो सपना कैसा आएगा बोलो? हम सो रहे हैं, कोई आया सफेद लिबास, सर नहीं दिख रहा है, नाक गायब है, मोमबत्ती लेके अचानक से मेरे रूम में प्रवेश किया, तकिया से उसने मेरा कंठ दबा दिया। अब कंठ दबाने वाले का दोष नहीं है, सपना आया क्यों? क्योंकि तुम मूवी देख के सोए, और वहीं तुम भागवत सुन के सो तो सपने में भूत नहीं, भूतनाथ दिखाई देंगे, बाबा भोलेनाथ दिखाई देंगे, कृष्ण दिखाई देंगे, राम दिखाई देंगे। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आप कथा नित्य सुने, यही भगवान श्री कृष्ण करते हैं। भगवान की कथाओं की कोई सीमा नहीं, अपरंपार है। भगवान ने अपने बच्चों को भी धर्म के पथ पर उपदेश पुराणों से दिलवाया,